हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रही हूँ लेडीज ब्लाउज। इसे बनाने के लिए मैंने 3 कलर की वूल ली है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 72 फंदे डालने के बाद एक रो उल्टा बुनते हुए पूरी कंप्लीट कर ली है। और देखिए, इस बॉर्डर के लिए 4 के मल्टीपल में फंदे लिए हैं मैंने और 2 ऐड किए हैं। तो एक रो मैंने उल्टी बनाते हुए कंप्लीट कर ली। पलट लेंगे। अब देखिए, यहाँ से डिजाइन स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले मैं एक फंदा उल्टा बना लूंगी। अब देखिए, यहाँ से 1 2 3 फंदों का एक फंदा ऐसे। उसके बाद देखिए, धागा को पीछे करेंगे और एक फंदे से 3 फंदे, 1 भूल को इधर किया, 2 भूल को इधर कर लिया, 3। ये देखिए, वापस भूल को अपने तरफ करेंगे, यहाँ पे 3 का 1 कर देंगे उल्टे तरफ। भूल को सीधे तरफ करेंगे, 1 2 3। ये देखिए, जो फंदे इसमें कम हो रहे हैं वो बराबर होते जा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे 3 फंदों का एक फंदा ऐसे। भूल को इधर करेंगे, एक फंदे से 3 फंदे, एक बार बुना, भूल को इधर किया ऐसे बना दिया, वापस भूल को इधर किया ऐसे बना दिया। तो ये एक फंदे से 3 हो गए। भूल को अपने तरफ करेंगे, 3 का 1, भूल को इधर, एक फंदे से 3 फंदे, एक बार 2 3। ये देखिए, आप देखिए, यहाँ से इसी तरीके से पूरी रो बनाते हुए कंप्लीट कर लूंगी। ये देखिए, लास्ट तक मैंने बना लिया। अब देखिए, लास्ट में हमारे पास एक फंदा है तो मैं उसको उल्टा बना रही हूँ, पलट लूंगी यहाँ से। अब देखिए, यहाँ से इस फंदे को उतारूंगी, भूल को अपने तरफ। अब यहाँ से पूरी रो उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करूंगी। सीधी रो जो है डिजाइन की, तीसरी रो है और सीधे साइड। ये देखिए, इसको कंप्लीट कर देती हूँ। ये देखिए, यहाँ से मैंने पूरी रो कंप्लीट कर ली। पलट लेंगे। अब देखिए, एक फंदा मैं उतारूंगी, ये वाला देखिए, और भूल को अपने तरफ। पहले देखिए, इस फंदे के मैंने 3 का 1 किया था, अब मैं इस फंदे से एक फंदे से 3 फंदे करूंगी। तो देखिए, भूल इधर है, एक बार इसको ऐसे बुना, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, बस इतना ही चेंज होगा। पहले मैंने इस फंदे को देखिए 3 का 1 किया था, अब मैं एक फंदे से 3 कर रही हूँ और यहाँ पे जो 3 फंदे किए थे एक फंदे से, उनका एक फंदा कर दूंगी। ये देखिए, इस तरह से भूल को फिर से पीछे करूंगी। इस फंदे पे देखिए, ये वाला है 3 का 1 वाला, इसके 3 फंदे कर दूंगी, एक बार बुना, एक बार इधर से, एक बार फिर से इधर से, भूल को अपने तरफ, यहाँ पे 3 फंदों से एक फंदा। वापस भूल को इधर करेंगे, 1 2 3। 3 बनाने के बाद भूल अपने तरफ, 3 का 1, भूल को फिर से इधर करेंगे, एक फंदे से 3 फंदे ऐसे, भूल को अपने तरफ, 3 का 1, भूल को इधर करेंगे, 1 2 3। अब देखिए, इस रो को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से डिजाइन डलने लगी। ये देखिए, इस तरह से उल्टे तरफ से मैंने बना के कंप्लीट कर लिया। अब देखिए, यहाँ से ये रो उल्टी बनाएंगे, उसके बाद फिर से यही डिजाइन रिपीट करेंगे। और देखिए, इन्हीं सलाइयों को रिपीट करते हुए मैं इसको आगे बना के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, बॉर्डर बनाने के बाद मैंने 4 रो बनाई है, इधर से सीधी और इधर से उल्टी, प्लेन ये आ गया है। अब देखिए, मैं यहाँ पे इस तरह की ये डिजाइन डालूंगी, तो ये 9 फंदों में डिजाइन पड़ेगी। तो देखिए, यहाँ से ये देखिए, 2 3 4, ये 4 फंदे मैंने सीधे बुने। अब देखिए, यहाँ से 1 2 3 4, 4 फंदे मैंने रेड से बना लिए। अब बीच में मैं 9 फंदे रखूंगी,
क्योंकि सेंटर में मुझे तीन फंदे गैफिंग रखनी है। ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे एंड होगा तो यहाँ पे मुझे तीन फंदे लेने हैं। आप पांच भी ले सकते हैं या फिर सात भी। अब देखिए यहाँ से एक दो तीन चार पांच छः, और देखिए इस धागे को ऐसे रख के ऐसे कर लेंगे, सात आठ नौ, नौ फंदे। ये देखिए ऐसे। उसके बाद देखिए एक दो तीन चार। अब देखिए इसी तरीके से मैं पूरी रो बनाऊंगी, चार फंदे रेड, नौ बीच में येलो। ये देखिए पूरी रो मैंने ऐसे ही बना ली है, नौ फंदे बीच में येलो और चार फंदे रेड, तीन फंदे लास्ट में हमारे पास बचे हैं। आप इसी तरीके से इनको एडजस्ट कर सकते हैं, अगर कम ज्यादा है तो आप इधर उधर करके बना लीजिए। तो अब देखिए यहाँ से हम ये दो फंदे बुनेंगे, एक फंदा इधर से येलो वाला रेड बुनेंगे, दो तीन चार पांच छः, और देखिए ये डिजाइन दोनों तरफ से पड़ेगी। आप देखिए यहाँ पे एक दो तीन चार पांच छः सात, सात येलो और एक फंदा इधर से रेड बना लेंगे येलो वाला, ऐसे एक दो तीन चार पांच छः। ये देखिए ऐसे ही पूरी रो इधर से हम बना लेते हैं। अब देखिए उल्टी रो मैंने कंप्लीट कर ली, सीधी रो पे आ गए, डिजाइन की तीसरी रो है। तो यहाँ से देखिए ये दो और ये वाला फंदा हम रेड से बढ़ाएंगे इधर से। ये देखिए ये एक दो तीन चार, इसको हम ऐसे रख के ऐसे कर लेंगे, पांच छः सात और आठ, एक इधर से बढ़ा लिया एक इधर से, देखिए इस तरह से आ जाएगा ये। और उसके बाद देखिए एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे सेंटर में और एक इधर ये वाला रेड, एक दो तीन चार पांच छः सात और एक यहाँ से आठ। ये देखिए इस तरह से इसको बनाना है। ये देखिए यहाँ पे पांच फंदे हो जाएंगे ये वाले। ये देखिए इधर से मैंने रो कंप्लीट कर ली, उल्टी रो पे आ गए। अब देखिए एक फंदा इधर से मैं रेड कर लूंगी, ये देखिए ऐसे, और दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ और एक इधर से दस। ये देखिए दस फंदे हमारे पास हो गए रेड। अब बीच में एक दो तीन, तीन सेंटर में जो थे वो रह गए, एक इधर से। अब देखिए इस रो को ऐसे ही बना देंगे, तीन रह जाएंगे, एक इधर से बढ़ा लेंगे तो यहाँ पे भी तीन रह जाएंगे, इसमें एक। आप देखिए यहाँ से मैं इस फंदे को उतारूंगी और इसको देखिए, इसको ऐसे पहले इधर कर दूंगी और देखिए इसको ऐसे एक दो तीन चार, चार फंदे मैंने यहाँ पे रेड बुन लिए। उसके बाद देखिए एक, एक येलो बुना, एक रेड और एक फिर से येलो, ऐसे देखिए। उसके बाद यहाँ पे तीन फंदे मेरे पास ये रेड आ गए और ये वाले फंदे तीन ऐसे ही बना लेंगे, एक दो तीन। अब देखिए यहां से एक दो तीन चार, चार फंदे बना लिए। उसके बाद यहां से एक येलो और एक रेड, एक वापस येलो और तीन फंदे ऐसे रेड से बनाएंगे, ये रो ऐसे ही कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए सीधे तरफ से ये रो कंप्लीट कर ली। अब देखिए यहां से ये फंदा उतार लिया मैंने और देखिए एक दो, एक उतार लिया तो ये तीन हो गए। अब ये देखिए येलो वाला हम रेड से बुन लेंगे ऐसे, और ये जो सेंटर में है रेड वाला येलो कर देंगे ऐसे देखिए, और ये इधर का भी रेड, दो
तीन चार पांच, ये देखिए आप पांच फंदे बुने। सेंटर के जो तीन फंदे हैं उनको हम येलो से ही बुनेंगे ऐसे। उसके बाद देखिए यहां से एक दो तीन, और देखिए इस वाले फंदे को रेड बना लेंगे चार। ये रेड वाला जो है उसको मैं येलो बना दूंगी ऐसे, और इधर का भी येलो वाला रेड। तो ऐसे ही ये रो ऐसे देखिए पूरी रो कंप्लीट कर दें। ये देखिए इस तरह से मैं अब सीधी रो पे आ गई हूँ। तो यहाँ से देखिए अब मैं इस फंदे को उतारूंगी, इसको धागे को इधर करके, और यहाँ से देखिए एक दो तीन चार पांच, और देखिए इस फंदे को भी हम रेड बना लेंगे, छह सात आठ नौ दस। ये देखिए दस फंदे मैंने ऐसे बना लिए। अब देखिए यहाँ से येलो वाले से बनाएंगे तीन फंदे, और देखिए इस धागे को लूज ही छोड़ना है बैक साइड। देखिए ऐसे ही पूरी रो बना लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये रो भी कंप्लीट कर ली। अब देखिए यहाँ से हम उल्टे तरफ से एक फंदा येलो बुनेंगे यहाँ पे ऐसे। उसके बाद देखिए एक दो तीन चार, इसको ऐसे रख के ऐसे कर लेंगे, पांच छः सात आठ, ये आठ फंदे बुने, और ये वाला फंदा हम येलो से बना लेंगे। देखिए एक हमने इधर से बना लिया, एक इधर से इधर को। अब तो ये देखिए दो तीन चार पांच, पांच येलो हो गए, और यहां से देखिए एक दो तीन चार पांच छः सात आठ, आठ ये रेड बना लिए। उसके बाद यहाँ पे एक ये येलो, ऐसे ही रो कंप्लीट करें। अब देखिए मैं सीधी रो पे आ गई हूँ। तो यहाँ से एक फंदा उतारूंगी, ये दो, और एक फंदा इधर से बना लूंगी। उसके बाद देखिए एक दो तीन चार पांच छः, छः फंदे रेड हो गए, एक इधर से, दो तीन चार पांच छः, एक देखिए इस साइड से, तो बीच में ये तीन तीन छः सात। अब इस तरह से रो कंप्लीट करें। आप देखिए यहाँ से मैं उल्टी तरफ आ गई हूँ। तो यहाँ से देखिए एक फंदा उतारूंगी और एक ये बुन लिया। अब देखिए दो फंदे मैं रेड वाले येलो से बनाऊंगी, और देखिए यहाँ से एक दो तीन, तीन मैंने रेड बुने, एक इधर से येलो बना दिया। उसके बाद दो तीन चार पांच छः सात आठ, और देखिए एक दो, दो रेड वाले ये बना दिए। उसके बाद एक दो तीन, इस तरह से ये रो कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए मैं सीधी रो पे आ गई हूँ। तो यहाँ से देखिए ये देखिए एक उतार लिया, दो तीन चार, और देखिए इस वाले को येलो बुनेंगे, और जो सेंटर वाला है यहाँ पे मैं इसकी लीप्स बनाऊंगी पत्ती। तो एक फंदा मैंने ये ग्रीन बना लिया। उसके बाद ये वाला देखिए ऐसे, अब रेड वाले को यहीं छोड़ दिया। तो इसको हम ऐसे करते हुए ले जाएंगे। ये देखिए इस वाले को इससे बना लेंगे, और ये सिर्फ एक फंदा ग्रीन बनेगा, बाकी जो रेड है उसको हम येलो बना देंगे। पूरी रो ऐसे ही बनानी है। ये देखिए पूरी रो कर ली मैंने। अब देखिए यहाँ से एक फंदा ये मैंने उतार लिया, दो तीन, तीन बनाए, और ये दो वाले ग्रीन बनाएंगे ऐसे, एक दो। अब ये ग्रीन वाला जो है इसको हम येलो से बना लेंगे, ये देखिए इस तरह से, और दो इधर बनाएंगे, एक दो। उसके बाद देखिए एक दो तीन चार पांच छः सात आठ,
8 फंदे मैंने बनाए। अब यहाँ पे ये ग्रीन से पहले 2 फंदे ये ग्रीन बना लिए, अब ग्रीन वाला येलो बना दें। और देखिए इधर भी 2 फंदे ऐसे, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे इसकी पत्ती बनेगी। आप देखिए फिर से मैं सीधी रो पे आ गई हूँ, तो यहाँ से एक फंदा उतारा और एक बुन लिया। अब देखिए ये वाला हम ग्रीन करेंगे ऐसे, और एक ये वाला देखिए हम येलो कर देंगे ऐसे, और ये फिर से ग्रीन बना देंगे इस तरह से। अब देखिए ये सेंटर वाला जो है ये येलो रह जाएगा यहाँ पे, ये वापस ग्रीन आ जाएगा ये देखिए, और यहाँ पे ये वाला येलो हो जाएगा। और यहाँ से एक हम और ग्रीन बनाएंगे ये देखिए ऐसे, ये देखिए। उसके बाद यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंदे मैंने बुन लिए। अब ये वाला देखिए ये ग्रीन बनाया, उसके बाद ये वाला जो ग्रीन है इसको ही हम येलो बना दिया, ये यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे येलो, और देखिए ये फिर से ग्रीन, और यहाँ पे ये वाला येलो, और यहाँ पे एक फंदा हम फिर से ग्रीन बना देंगे ये देखिए इस तरह से बना के कंप्लीट करते हैं। ये देखिए इधर से मैंने रो कंप्लीट कर ली। आप देखिए यहाँ से ये देखिए 1, 2 अब देखिए ये वाला फंदा ये ग्रीन और एक ये येलो वाला, तो इस रो में ग्रीन हो जाएंगे। और ये वाला देखिए 1, 2 ये सेंटर वाला देखिए, एक इधर का और एक इधर का, एक इधर का, 3 येलो हो जाएंगे ये देखिए। अब देखिए ये येलो वाला और ये ग्रीन वाला ये देखिए इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब देखिए यहाँ पे 1, 2 ये 2 हो गए। यहाँ पे देखिए सेंटर में 1, 2, 3 येलो हो गए। अब इधर से 1 और 2 ऐसे देखिए इस तरह से, तो ऐसे ही मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए डिजाइन की लास्ट रो पूरी हो गई, और देखिए इस तरह से ये दिख रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है। अब देखिए यहाँ से हम सभी फंदे येलो से बनाएंगे ऐसे। ये देखिए आप देखिए इधर से सीधा उधर से उल्टा, इसी तरीके से मैं प्लेन बनाऊंगी ऊपर। तो इसकी लंबाई मैं पूरी कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ।